हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में आज हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवनी के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जी की बायोग्राफी देखते हैं हम लोग, इनके सभी कार्य भी देखते हैं, इनका जन्म कब हुआ, क्या क्या किया है इन्होंने, सब कुछ देखते हैं। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 में, और इनका निधन हुआ 10 जनवरी 1966 में। उपलब्धियों की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाई, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के संसदीय सचिव, पंत मंत्रिमंडल में पुलिस और परिवहन मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेलवे परिवहन मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल में परिवहन और संचार मंत्री भी रहे, वाणिज्य उद्योग मंत्री भी रहे, 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शारीरिक कद में छोटे होने के बावजूद वह महान साहस और इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक देश का नेतृत्व किया। युद्ध के दौरान देश को एकजुट करने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। आज़ादी से पहले उन्होंने स्वतंत्रता संग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने बड़ी सादगी और ईमानदारी के साथ अपना जीवन जिया और सभी देशवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में बने। अब इनका प्रारंभिक जीवन देखते हैं हम लोग। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ। उनके पिता का नाम था शारदा प्रसाद और माता का नाम था राम दुलारी देवी। लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम श्रीवास्तव था। उन्होंने इसे बदल दिया क्योंकि वह अपनी जाति को अंकित नहीं करना चाहते थे। लाल बहादुर शास्त्री के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे और बाद में वह इलाहाबाद के आयकर विभाग में क्लर्क बने। गरीब होने के बावजूद भी शारदा प्रसाद अपनी ईमानदारी और शराफत के लिए जाने जाते थे। लाल बहादुर केवल एक वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। तत्पश्चात राम दुलारी देवी ने लाल बहादुर शास्त्री और अपनी दो पुत्रियों का पालन पोषण अपने पिता के घर पर ही किया। जब लाल बहादुर शास्त्री 6 वर्ष के थे तब एक दिलचस्प घटना घटी। एक दिन विद्यालय से घर लौटते समय लाल बहादुर शास्त्री और उनके दोस्त एक आम के बगीचे में गए जो उनके घर के रास्ते में ही पड़ता था। उनके दोस्त आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गए जबकि लाल बहादुर नीचे ही खड़े रहे। इसी बीच माली आ गया, उसने लाल बहादुर को पकड़कर डांटा और पीटना शुरू कर दिया। बालक लाल बहादुर ने माली से निवेदन किया कि वह एक अनाथ है इसलिए उन्हें छोड़ दें। बालक पर दया दिखाते हुए माली ने कहा, चूंकि तुम एक अनाथ हो इसलिए यह सबसे जरूरी है कि तुम बेहतर आचरण सीखो। इन शब्दों को उन पर एक गहरी छाप छोड़ी और उन्होंने भविष्य में बेहतर व्यवहार करने की कसम खाई। लाल बहादुर अपने दादा के घर 10 साल की उम्र तक रुके। तब तक उन्होंने कक्षा 6 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह वाराणसी गए। लाल बहादुर शास्त्री जी की राजनीतिक जीवन देखते हैं तो 1921 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तब लाल बहादुर शास्त्री मात्र 17 साल के थे जब गांधी ने उन युवाओं को सरकारी स्कूलों, कॉलेज, दफ्तरों और दरबारों से बाहर आकर आजादी के लिए सब कुछ निछावर करने का आह्वान किया। तब उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया। हालांकि उनकी माताजी और रिश्तेदारों ने ऐसा ना करने का सुझाव दिया पर वो अपने फैसले पर अटल रहे। लाल बहादुर को असहयोग आंदोलन के दौरान
गिरफ्तार भी कर लिया किया गया, पर कम उम्र के कारण उन्हें छोड़ दिया गया था। जेल से छूटने के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री ने काशी विद्यापीठ में 4 साल तक दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। वर्ष 1926 में लाल बहादुर शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। लाल बहादुर ने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। काशी विद्यापीठ छोड़ने के पश्चात बुद्धा सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े, जिसकी शुरुआत 1921 में लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। इस सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य उन युवाओं को प्रशिक्षित करना था जो अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित करने के लिए तैयार थे। 1927 में लाल बहादुर शास्त्री का विवाह ललिता देवी के साथ हुआ। विवाह संस्कार काफी साधारण तरीके से हुआ था। आगे बात करते हैं हम लोग गांधी 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया और लाल बहादुर भी इस आंदोलन से जुड़े और लोगों को सरकार को भू राजस्व और करों का भुगतान ना करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2.5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जेल में वो पश्चिमी देशों के दार्शनिकों, क्रांतिकारियों, समाज सुधारकों के बारे के कार्यों से परिचित हुए। वह बहुत ही आत्म सम्मानी व्यक्ति थे। एक बार जब वह जेल में थे, उनकी एक बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई। अधिकारियों ने उन्हें कुछ समय के लिए शर्त पर रिहा करने की सहमति जताई कि वह यह लिख कर दें कि वह इस दौरान किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। लाल बहादुर जेल से कुछ समय के लिए रिहा होने के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहा कि वह यह बात लिखकर नहीं देंगे। उनका मानना था कि लिखित रूप में देना उनके आत्मसम्मान के विरोध है। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने के बाद सन 1940 में कांग्रेस ने आजादी की मांग करने के लिए एक जन आंदोलन प्रारंभ किया। लाल बहादुर शास्त्री को जन आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल के बाद रिहा कर दिया गया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसी दौरान वह भूमिगत हो गए बाद पर बाद में गिरफ्तार कर लिए गए। फिर 1945 में दूसरे बड़े नेताओं के साथ उन्हें भी रिहा कर दिया गया। 1946 में प्रांतीय चुनाव के दौरान अपनी कड़ी मेहनत से पंडित गोविंद वल्लभ पंत को बहुत प्रभावित किया। लाल बहादुर की प्रशासनिक क्षमता और संगठन कौशल इस दौरान सामने आए। जब गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया। 1947 में शास्त्री जी पंत मंत्रिमंडल में पुलिस और परिवहन मंत्री बने। भारत के गणराज्य बनने के बाद जब पहले आम चुनाव आयोजित किए गए तब लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के महासचिव थे। कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत के साथ चुनाव जीता। 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्री के रूप में नियुक्त किया। तृतीय श्रेणी के डिब्बों में यात्रियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने में लाल बहादुर शास्त्री कि योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने रेलवे में प्रथम श्रेणी तृतीय श्रेणी के बीच विशाल अंतर को कम किया। 1956 में लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। जवाहरलाल नेहरू ने शास्त्री जी को मनाने की बहुत कोशिश की पर लाल बहादुर शास्त्री अपने फैसले पर कायम रहे। अपने कार्यों से लाल बहादुर शास्त्री ने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के एक नए मानक को स्थापित किया। अगले आम चुनाव में जब कांग्रेस सत्ता में वापस आई तब लाल बहादुर शास्त्री परिवहन और संचार मंत्री और बाद में वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने। 1959
1861 में गोविंद वल्लभ पंत के देहांत के पश्चात वह गृह मंत्री बने। सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के मरणोपरांत सर्वसम्मति से लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। यह एक मुश्किल समय था और देश बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था। देश में खाद्यान्न की कमी थी और पाकिस्तान सुरक्षा के मोर्चे पर समस्या खड़ा कर रहा था। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। कोमल स्वभाव वाले लाल बहादुर शास्त्री ने इस अवसर पर अपनी सूझबूझ और चतुरता से देश का नेतृत्व किया। सैनिकों और किसानों को उत्साहित करने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। पाकिस्तान को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। शास्त्री जी के नेतृत्व की प्रशंसा हुई। जनवरी 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता के लिए ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच बातचीत हुई। भारत पाकिस्तान ने रूसी मध्यस्थता के तहत संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संधि के तहत भारत युद्ध के दौरान कब्जा किए गए सभी प्रांतों को पाकिस्तान को लौटाने के लिए सहमत हुआ। 10 जनवरी 1966 को संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षर हुआ और उसी रात को दिल का दौरा पड़ने से लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। तो दोस्तों ये थी आज ये थे लाल बहादुर शास्त्री।